अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आईबीएन इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद होगी सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो कोर्स की आपको इन्फॉर्मेशन लेकर आए हूँ वो है जी प्राइमावेरा P6। स्पेशलिटी आईबीएन इंस्टीट्यूट की कि हम लोग पिछले 20 से 15 सालों से हम लोग ये कोर्स को करवा रहे हैं और हमारे पास प्रोफेशनल टीचर्स की जेरे निगरानी ये कोर्स करवाया जाता है। ऐसे टीचर जिनकी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है और जिनके पास मास्टर्स लेवल की डिग्रीज हैं और प्रोफेशनल तरीके से वो इस कोर्स को करवा रहे हैं। काफी टाइम हो गया ये कोर्स को करवाते हुए और हमारे पास मुख्तलिफ इंजीनियर्स आते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, जो कि स्पेशलिटी रखते हैं। इस कोर्स को करने का तरीकेकार क्या है, इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, ये कोर्स कितने ड्यूरेशन का करवा रहे हैं, और सारे आपको बताता हूँ। एक प्रोफेशनल फील्ड के अंदर प्राइमावेरा P6 की बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं, किसी भी आप एज और अच्छी रजिस्टर्ड फर्म्स के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं, प्रोफेशनल फील्ड के अंदर जाते हैं, तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बहुत अच्छा स्कोप और बहुत अच्छी जॉब्स मिलती हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन है वो 40 डेज का हम लोग कोर्स करवा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग इस कोर्स के अंदर आपको एक्टिविटीज बनाना सिखाएंगे, बजट एस्टीमेशन, कॉस्ट एस्टीमेशन, स्केड्यूल मेंटेन करना, फार्मूले लगाना, प्राइमावेरा P6 सॉफ्टवेयर कैसे चलाते हैं, उसको ऑपरेट कैसे करते हैं, और एकल प्राइमावेरा का कोर्स को बताएंगे प्रोफेशनल तरीके से, प्रोजेक्ट के ऊपर एक प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाया जाता है, उसकी टाइमलाइन कैसे बनाई जाती है, ठीक है जी, उसके अंदर आप लोग स्केड्यूल कैसे, शेड्यूल कैसे बनाते हैं, फिल्टर कैसे लगाते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड कैसे आप लोग बनाते हैं, ठीक है जी, आप लोग इसके अंदर वेरियंट्स कैसे निकालते हैं, जिसमें आपके पास स्केड्यूल वेरियंस आते हैं, कॉस्ट वेरियंस है, अकाउंटिंग वेरियंस है, वो सारे हम लोग सिखाते हैं। उम्मीद होगी कि जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे वो इस चीज को बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि प्राइमावेरा की आजकल क्या डिमांड है, और इस कोर्स के अंदर जो मैंने कोर्स कंटेंट भी आपको बताए हैं वो एक प्रोफेशनल तरीके से आपको इस कोर्स के अंदर हम लोग सिखाएंगे। शुक्रिया।